गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो अगस्त के महीने में एंड वीक में शेड्यूल की गई है। इसके अंदर जो बड़े चेंजेस होने वाले हैं वो एक तो है ई वे बिल से रिलेटेड, एक आपको देखने को मिल सकता है रिवर्स चार्ज से रिलेटेड, और तीसरा जो चेंज देखने को मिल सकता है वो रेट चेंजेस से रिलेटेड हो सकता है। साथ ही साथ जीएसटीआर 9 और 9C के अंदर फर्दर डेट एक्सटेंड होना है या नहीं उसके ऊपर भी डिसीजन लिया जाना है। फिलहाल जो डेट है वो 30 सितंबर 2020 है फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। इसकी एक्सटेंशन के चांसेस बेहद ही कम लग रहे हैं इस बार, और इसीलिए जीएसटी प्लेटफॉर्म ने जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन है 9 एंड 9C का, जो कि कल यानी कि 16 अगस्त को शेड्यूल किया गया है, उसमें अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जीएसटीआर 9 9C के अंदर जो इश्यूज हैं उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं जो अगला हमारा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस हो सकता है, वो है जो हमारे गोल्ड ट्रेडर्स हैं, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स या फिर जो प्रीसियस स्टोन्स होती हैं, इसके ऊपर काफी बड़े चेंजेस किए जाने के आसार जो हैं वो बताए जा रहे हैं। इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है? सबसे पहले इसके अंदर ई वे बिल का जो एग्जेम्पशन है उसे विड्रॉ किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ई वे बिल एग्जेम्पशन फॉर गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स उसे विड्रॉ किया जा सकता है अगर आप इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन स्टेट सप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर स्टेट्स को पावर दी जा सकती है कि वो अब ई वे बिल चाहें तो इस पे निकलवा सकते हैं, ट्रेडर्स को ऑब्लिगेट किया जा सकता है। अगर मैं आपको रेलिवेंट रूल दिखाऊं तो अभी जो फिलहाल सिचुएशन है, रूल 138 का सब रूल 14 कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाइड इन द अनेक्जर। यानी कि जो अनेक्जर में स्पेसिफाइड गुड्स हैं उनके लिए ई वे बिल को एग्जेम्प्ट किया गया है। अब जो ये हमारा अनेक्जर है रूल 138 सब रूल 14 के अंदर, वो किस चीज की बात कर रहा है? इसके अंदर 8 आइटम्स दिए गए, इसमें से एक आइटम है ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स। यानी कि चैप्टर 71 के अंदर जो भी आइटम्स आते हैं इसके ऊपर हो सकता है ई वे बिल का जनरेशन फॉर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस मैंडेटरी कर दिया जाए। नेचुरल और कल्चर्ड पर्ल्स एंड प्रीसियस और सेमी प्रेसियस स्टोन्स, प्रीसियस मेटल्स एंड मेटल्स क्लैड विथ प्रेसियस मेटल, यानी कि ज्वेलरीज के ऊपर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ई वे बिल जो है स्टेट्स को पावर दी जा सकती है। लेकिन यहां पर जो हमारा इंटरस्टेट सप्लाई है इसके ऊपर अभी ई वे बिल लगाने की कोई भी बात नहीं हो रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लोकल सेल्स पे ही आपको ई वे बिल जो है वो निकालना पड़ेगा। तो पहला बड़ा चेंज ई वे बिल से रिलेटेड हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है आपका रिवर्स चार्ज जो हमारा आरसीएम है उससे रिलेटेड। इसके अंदर जो गोल्ड है और ऑर्नामेंट्स जो हैं इसे लाया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 या फिर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है, नोटिफिकेशन लाया जा सकता है कि गोल्ड बिजनेस के अंदर जो परचेजर है उसके ऊपर लाइबिलिटी दी जा सकती है कि अगर आप गोल्ड की खरीदारी करते हैं तो आपको रिवर्स चार्ज के अंदर लाइबिलिटी पे करनी होगी। इसके अंदर क्या लिमिट होगा, किस तरीके से ये सारा चीज होगा, ये जीएसटी काउंसिल के अंदर डिसाइड हो सकता है। तो दूसरा बड़ा चेंज अगर इंक्लूड किया जाता है गोल्ड को रिवर्स चार्ज के अंदर तो ये एक काफी बड़ा चेंज होगा। तीसरा जो चेंज है वो है चेंज इन रेट्स से रिलेटेड। चेंज इन रेट्स किस तरीके से, जो हमारे सिन गुड्स होते हैं, सिन गुड्स जैसे कि सिगरेट हो गया, पान मसाला हो गया,
इन सारी चीजों के ऊपर जो सेस है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कॉम्पनसेशन देने के पैसे जो हैं वो कम पड़ रहे हैं स्टेट्स को, तो इसकी भरपाई करने के लिए सिन गुड्स के ऊपर और जो एरेटेड वाटर होते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उसके ऊपर भी सेस जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये तीन बड़े चेंजेस जो कि प्रपोज्ड हैं अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, ताकि कंपनसेशन के साथ साथ जो टैक्स इवेजन वगैरह होता है उस पे अच्छी तरीके से काबू पाया जा सके। इसके अलावा जो चीजें करने की जरूरत है वो एक तो है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड, काफी लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो काफी लोग क्लेम नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ रूल 36 सब रूल 4 को फर्दर एक्सटेंड किया जाना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी डिसीजन आना चाहिए कि अगस्त के बाद अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना हो तो क्या 10% वाला कंडीशन लगना चाहिए या नहीं। तो ये दो बड़े अहम मुद्दे हैं जो कि जीएसटी काउंसिल के अंदर आना चाहिए ताकि लोगों को कुछ रिलैक्सेशन मिल सके। और फर्दर डेट एक्सटेंशन होगी रिटर्न फाइलिंग की या एनुअल रिटर्न की, उसकी उम्मीद बेहद कम लग रही है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जैसे ही काउंसिल की मीटिंग के ऊपर जो भी अपडेट आता है आपको हमारे YouTube चैनल में देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको सिंपल एक काम करना है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्रिप्शन इसके अंदर बिल्कुल फ्री होती है, कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड क्वेरीज रहती हैं तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे ऑफर के साथ 15, 16 और 17 अगस्त को 3 दिनों का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अगर आप इन 3 दिनों में मेंबरशिप लेते हैं तो आपको इस ऑफर का बेनिफिट मिल जाएगा। ऑफर अवेल करने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।